चंदन कुमार, आप लोगों का अपना YouTube चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग तो हो गया, लेकिन फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब दिया जाएगा, अर्थात कब ये बता दिया जाएगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन होगी और इस ब्रांच से एडमिशन होगी। तो ये कब दिया जाएगा इस पे चर्चा करेंगे डायरेक्ट क्रोम या गूगल पर जाके। बीसीईसी जो भी लिंक से खोलकर डाउनलोड करेंगे उसका नोटिस, और देखेंगे कि कब हमारा अलॉटमेंट दिया जाएगा और कब एडमिशन होगी और किस ब्रांच से किस कॉलेज में होगी। क्लियर मेरे दोस्त? और एक बात बताते हैं कि अलॉटमेंट जिस डेट को आ जाए, एकदम महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता रहे हैं कि अलॉटमेंट आए ना मेरे दोस्त, तो अलॉटमेंट डायरेक्ट डाउनलोड मत कीजिएगा, अलॉटमेंट देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद काउंसलिंग वाले पेज देखिएगा जिस पे काउंसलिंग किए हैं, और उसमें अपग्रेड कीजिएगा ना, तो मे बी चांस होती है ना कि आपको और अच्छा ब्रांच और अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना, इस बात को फिक्स कर लेना है और याद रखना है, जब अलॉटमेंट आएगा तो चेक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से सोच के डाउनलोड करना। क्लियर? कि अपग्रेड कराएं या नहीं, अपग्रेड क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब अलॉटमेंट आ जाएगी तब। अभी इतना बता रहे हैं कि अलॉटमेंट डाउनलोड मत कीजिएगा, चेक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए चलते हैं, बस वही प्रोसेस क्रोम या गूगल ओपन करेंगे, और जैसे ही ओपन करेंगे ना दोस्त, तो ऐसा पेज खुलेगा, इस पे बीसीईसी लिखना है। क्या चीज लिखना है? बीसीईसी। क्लियर? और इंटर मारना, जैसे इंटर मारिएगा ऐसा खुल जाएगा, और जैसे खुलेगा ना तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बीसीसीएलई ऑनलाइन, ये छोड़िए लेटरल एंट्री का बात है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल डीसीसीपी है ये, तो हमें ऑनलाइन नहीं, हमें नोटिस देखना है। तो बोले हैं कि लेटेस्ट अपडेट पर जाना है, तो लेटेस्ट अपडेट यही है दोस्त, इंपॉर्टेंट नोटिस रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, और क्या चीज के लिए? तो अलॉटमेंट ऑर्डर ऑनलाइन काउंसलिंग पीएम पारा मेडिकल, नहीं हमको लेना है पीई के बारे में जानकारी लेना। हाँ, तो ऊपर चलेंगे तो बोल रहा इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन डेट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम पोस्ट सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर बीसीसी हेल्थ, दूसरा चीज के बारे में दोस्त। चलिए इंपॉर्टेंट ये भी क्या चीज के बारे में है, चॉइस फिलिंग ऑनलाइन बीसीसी पीई, पी है ना इंपॉर्टेंट नोटिस, तो इंपॉर्टेंट नोटिस पीई के है, लेकिन हमें डिटेल नोटिस चाहिए, तो फाइव नंबर में देखिएगा दोस्त, डिटेल रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस काउंसलिंग है ना, तो इस पे क्लिक करेंगे फाइव नंबर, और यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा पीई के लिए, है ना मेरे दोस्त। तो पीई के लिए जैसे ही डाउनलोड हुआ ना, तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, और जूम करके आपको दिखाते हैं दोस्त। हाँ, जूम हो गया, तो यहाँ पे देखिए साफ रूप में बोल रहा है ना दोस्त कि हम लोग को कब से होगी काउंसलिंग का डेट तो खत्म, अब हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट कब आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि कब आएगी अलॉटमेंट, तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, फर्स्ट राउंड या फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि 10 तारीख नौवा महीना 2022 अर्थात 10 सितंबर को आपको दे दिया जाएगा क्या चीज, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। और 10 से पांच नंबर में देखिए, 10 से 14 तारीख तक के आपकी क्या होगी, अलॉटमेंट डाउनलोड, और डाउनलोड 14 तक करना है, लेकिन आपका एडमिशन कब होगा मेरे दोस्त, तो वो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन, यह है ना 6 नंबर में, ये आपको 11 तारीख से 14 तारीख तक फर्स्ट अलॉटमेंट का एडमिशन हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो बस 10 ही तारीख, अब इंतजार क्या, 10 को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में गया है और किस ब्रांच से आपकी एडमिशन होगी, और 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में 3 दिन के अंदर आपका एडमिशन करवा लेना। क्लियर मेरे दोस्त? सेकंड देखिए, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आपको 19 सितंबर को दे दिया जाएगा, और उसका एडमिशन का जो प्रक्रिया है ना मेरे दोस्त, वो आपको 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में, अर्थात इसमें 2 ही दिन दिया है, 2 दिन तक एडमिशन करवा लेना। और इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोग को ये बताते हैं कि जब फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, तो डेट के अंदर में जाके आपको एडमिशन करवाना होगा, जब डेट निकल जाएगी ना दोस्त,
तो एडमिशन इम्पॉसिबल नहीं होगी। वैसा ही दम याद रखना है कि जैसे ही आए अलॉटमेंट, 10 को अलॉटमेंट आएगी, 10 को ही डाउनलोड करना है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले स्क्रीनशॉट लेके आपको ये सर्टिफाइड हो जाना है कि हम मेरे लाइक ब्रांच है या नहीं। नहीं रहेगा ना तो ये वो अपग्रेड का आता है ऑप्शन, और वो अपग्रेड कीजिएगा ना तो आपको ऊपर वाले कॉलेज जो काउंसलिंग किए थे वो मिल सकता है या ऊपर वाले ब्रांच। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। अन्य तो डाउनलोड कर लीजिएगा तो अपग्रेड नहीं होगा, इसीलिए एक और चांस मिलता है दोस्त, तो उस चांस को ना छोड़े। इसीलिए आपको डाउनलोड डायरेक्ट नहीं करना है, चेक करके अलॉटमेंट स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर अपने आप में विचार करना है कि मेरे लिए कॉलेज या मेरे लायक के ब्रांच मिला है या नहीं। क्लियर मेरे दोस्त? तो इस प्रकार से हो जाएगी। तो 10 तारीख का आपका आ रहा है अलॉटमेंट, तो आप लोग तैयार रहे एडमिशन के लिए। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और जो भी नोटिस आएगी मैं बता दूंगा। क्या? चलिए।